हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग इस बार कंपार्टमेंट का पेपर दे रहे हो क्लास ट्वेल्थ में और 17 जुलाई को आपका पेपर है, तो आप लोग के प्रैक्टिकल्स के लिए भी डेट आउट हो चुका है। अगर आपका किसी भी वजह से सीबीएसई में रिपीट इन प्रैक्टिकल आ गया था और या रिपीट इन बोथ आ गया, आरबी लिख के आ गया या आरपी लिख के आ गया, तो आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होंगे। ठीक है, इस केस में आपका थ्योरी एग्जाम नहीं होता, आप केवल प्रैक्टिकल एग्जाम्स में बैठते हो। अगर आरपी लिखा हुआ है तो, अगर आरबी लिखा हुआ है मतलब रिपीट इन बोथ लिखा हुआ है, तो उस केस में आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों देना पड़ता है। तो अगर आपका कंपार्टमेंट लगा हुआ था प्रैक्टिकल्स की वजह से, तो आप जो है अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हो। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो अभी तक आपके स्कूल वालों ने आपको इन्फॉर्म कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप अपने स्कूल को अप्रोच करके देन उनसे 6 जुलाई के बाद से जो है डेट ले सकते हो कि कब आके प्रैक्टिकल एग्जाम्स देना है। उसके साथ साथ अगर आपने जो है, अगर प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, क्लास ट्वेल्थ आपका लास्ट ईयर हुआ था और एज अ प्राइवेट इस बार कंपार्टमेंट दे रहे हो और आपका प्रैक्टिकल्स में कंपार्टमेंट था, तो इस बार आप कंपार्टमेंट दे सकते हो। प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स का जो डेट है वो आपके एग्जाम सेंटर वाले बताएंगे। तो जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाता है तो एडमिट कार्ड जो है लेके आप एग्जाम सेंटर जाओगे और वो आपको डेट बता देंगे कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब होगा। क्लास टेंथ के लिए कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं है इसमें, क्योंकि क्लास टेंथ का जो असेसमेंट के मार्क्स होते हैं वो पूरे साल को देख के दी जाती है। तो असेसमेंट का मार्क्स आप लोग का जो है प्रोराटा बेसिस पे मिलेगा। इनकेस अगर आप आगे इम्प्रूवमेंट दे रहे हो तो इम्प्रूवमेंट में आपका केवल थ्योरी एग्जाम्स होगा, प्रैक्टिकल के एग्जाम्स नहीं होंगे। ठीक है, तो बाकी चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशनड है, ये पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लिंक नीचे है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो बाकी के डिटेल्स के लिए। बाकी इसमें कोई स्टूडेंट्स नहीं रहता, मतलब इसमें केवल दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ही प्रैक्टिकल एग्जाम, वो भी केवल क्लास ट्वेल्थ में दो कैटेगरी, आरबी और आरपी के लिए। ठीक है, अगर आपके रिपीट इन प्रैक्टिकल है, रिपीट इन बोथ है, तो जाके आप दे सकते हो प्रैक्टिकल एग्जाम, बाकी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो सीबीएसई साइट से था। आप लोग के एडमिट कार्ड जो है कुछ दिनों में आ जाएगा, तो आप एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करके देन एग्जाम्स के लिए जा सकते हो। एंड बाकी सिमिलर डिटेल्स हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।